22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रदेश भर में उत्साह का माहौल है। इसी कड़ी में तखतगढ़ नगर में भी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मंगलवार रात श्री कुंदेश्वर महादेव मंदिर में बैठक हुई, जिसमें नगर के सभी मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी और पुजारी को बैठक में बुलाया गया। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के समय नगर के सभी मंदिरों पर रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाएगा। मंदिरों के बाहर रंगोलियां बनाई जाएंगी। नगर में शोभ यात्रा निकालकर रामलीला कार्यक्रम आयोजित कराने, हर घर दीपक जलाने का निर्णय लिया गया है। मंदिरों पर दीपक की रोशनी करने समेत अन्य कई निर्णय लिए गए हैं। अपने तखतगढ़ नगर के अंदर एक तो जितने भी अपने जो मंदिर हैं, उन सभी मंदिरों को रोशनी से सजाया जाएगा। वहां पर जगह जगह रंगोलियां बनाई जाएगी। नगर के जितने भी जो लोग हैं, वो सब लोग इसमें सहभागिता से सहयोग कर रहे हैं। अपन प्रभात फेरी के रूप में प्रभात फेरी निकालेंगे। उसके अलावा विभिन्न प्रकार की शोभा यात्राएं अलग अलग जगह से निकलेगी। प्रत्येक जगह पर अपन महिला मंडली के भजन कार्यक्रम हो सकते हैं। तो इन कार्यक्रमों को लेकर के अपन इस नगर में पूरे हर्षोल्लास के साथ में इस भव्य कार्यक्रम को मनाएंगे। 22 तारीख को जो कार्यक्रम होगा, इस 22 तारीख के कार्यक्रम में जगह जगह पर बड़ी बड़ी LED के द्वारा अयोध्या के अंदर जो क्या कार्यक्रम जो आयोजित हो रहा है, उस आयोजित को लाइव कार्यक्रम के तौर पर दिखाएंगे। और नगर वाले नगरवासियों में भव्य दिवाली है, दिवाली का दिन अभी इस त्यौहार पर अपन मनाने वाले हैं। और प्रत्येक घर के अंदर कम से कम 5 दीपक लगाएंगे, ऐसा सबसे निवेदन किया है। और इस कार्यक्रम को हम